कि जिस दिन आप सत्ता में आ जाओ उस दिन अपने चहेते दो चार लोगों को इस देश की सारी संपत्ति उनके नाम कर देना, इस देश की 95% जो जनता है उनको गरीब बेरोजगार और मजबूर कर देना। सरकारें किसी की होती है, वो ब्राह्मणों को व्यवस्था में रखने के लिए काम करते हैं। देखिए 131 जो सांसद हैं उनको मैं मानता ही नहीं कि वो बहुजनों के सांसद हैं, मैं तो उनको उन लोगों का गुलाम मानता हूँ जिन लोगों ने उनको टिकट की कीमत देकर उनको खरीदा है। जो इस देश में सरकारें चल रही है वो देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी सरकारें हैं। ब्राह्मणवादी सरकार है और ब्राह्मणवादियों के विकास के लिए कार्य कर रही है, तो वो तो किसी भी हद तक गिर सकती है और विपक्षी फिर कर भी क्या सकता है। आदिवासी राष्ट्रपति के होते हुए भी आदिवासी महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाए तो ये बड़ा ही शर्मनाक है। देखिए संविधान इस देश की आत्मा है और अगर किसी देश की मूल आत्मा को आप बदल देंगे तो सिर्फ उसका बॉडी बॉडी रह जाएगा। इसका मतलब है कि आप इस देश का कत्ल करना चाहते हैं और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। सर लगातार इस देश में 24 को लेकर के कहा जाता है कि नया संविधान तैयार है, हमें उसको लागू करना है, भगवा रंग का संविधान भी प्रिंट हो चुका है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये ब्राह्मणवाद का एक क्रूर रूप है जो आपके सामने आ रहा है। जो आरएसएस के गुरु हैं उन्होंने पहले ही गोलवालकर ने अपने किताब में लिखा है कि जिस दिन भी आप सत्ता में आ जाओ, आप मतलब उन्होंने ब्राह्मणवादियों को रेफर करते हुए कहा कि जिस दिन आप सत्ता में आ जाओ उस दिन अपने चहेते दो चार लोगों को इस देश की सारी संपत्ति उनके नाम कर देना, इस देश की 95% जो जनता है उनको गरीब बेरोजगार और मजबूर कर देना, आपके हाथ से सत्ता फिर आने वाली 7 पुश्तों में नहीं जाएगी। और उसी का ये प्रयास है जो संविधान को बदल कर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, आप लोगों को होते हुए संविधान बदला जा सकता है? देखिए हमारे होने और ना होने ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया और वहाँ पे बहुमत की बात कही। जब विधानसभा में लोकसभा में अगर उनकी सत्ता होगी और लोकसभा में उनकी जब मेजोरिटी होगी जो 2/3 होती है और होनी चाहिए, तो जब उतनी मेजोरिटी उनकी होगी तो बावजूद इसके कि दुनिया कुछ भी कर ले वो चाहेंगे तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। बहुजन समाज के तमाम लीडर MP MLA वगैरह है, लेकिन बहुजन मूवमेंट को लेकर के ये लोग जागरूक कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही तो दुखद है, मैं कई बार इस बात को देखता हूँ और कई बार लोगों को अपने माध्यम से बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारे नेताओं को जिस प्रकार से ब्राह्मणवादी लोग, कुछ भी हो जाए सरकारें किसी की होती है, वो ब्राह्मणों को व्यवस्था में रखने के लिए काम करते हैं, और उसी प्रकार से SC ST OBC बहुजन या शूद्र समाज के जो नेता हैं उनको भी हमेशा अपने समाज को सर्वोपरि करके अपनी राजनीति करनी चाहिए, और जब ये करेंगे तभी यह संभव है कि हमारा समाज भी विकास कर सकता है। 131 सांसदों की खामोशी पर क्या कहना चाहेंगे, आखिर वो भी तो संविधान की बदौलत संसद में है। देखिए 131 जो सांसद हैं उनको मैं मानता ही नहीं कि वो बहुजनों के सांसद हैं, मैं तो उनको उन लोगों का गुलाम मानता हूँ जिन लोगों ने उनको टिकट की कीमत देकर उनको खरीदा है। तो आज जो 131 लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, ये आपके बारे में बात नहीं बल्कि ये अपनी आकाओं के बारे में बात करेंगे और उनकी मंशा को पूरा करने के लिए ये काम करेंगे, ये बहुजनों के नेता नहीं हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्या कहेंगे, अभी तक ये आरोप लगाया जा रहा था कि जातिवाद वो फैलाता है जो अनपढ़ है, लेकिन एक फिजिक्स का प्रोफेसर वो ये कहता है कि अगर मैं चमार होता तो आराम से जूते पॉलिश कर रहा होता और मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता, क्या इसको आप किस वे में ले रहे हैं? देखिए मैं आपका सवाल अच्छा है लेकिन मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ। इसका जवाब मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आज जो प्रमुख मुद्दा होना चाहिए हमारे बहुजनों का, वो मुद्दा होना चाहिए नौकरी, रोजगार, व्यापार, शिक्षा,
खेलों में हर जगह उनकी भागीदारी, सरकारी संस्थाओं में उनकी 90% भागीदारी। हम लोग किसी किसी के मुद्दे को और उसके वक्तव्य को लेकर के उस पर चर्चा करते हैं मीडिया में, और जो हमारा मुख्य मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं दरकिनार होता है। तो मैं इस देश की सारी मीडिया से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग आज के बाद अपने लोगों के शिक्षा के बारे में बात करो, उनके नौकरी, रोजगार, व्यापार, उनके सारी सरकारी संस्थाओं में, इवन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया में उनके 90% भागीदारी वाली बातों पे बात कीजिए, ताकि यही मुद्दा आने वाले समय में चुनाव का मुख्य मुद्दा बन सके। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार समिति की जो चेयरपर्सन है विवेक देवरा, जो उनका नाम बड़ा उछाला जा रहा है, वही संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री, आप लोगों को शायद जानकारी है या नहीं है, विदेश में अफ्रीका अभी गए थे आपके भारत के प्रधानमंत्री। जब ये प्रधानमंत्री अफ्रीका गए तो इनको कोई भी बड़ा वहाँ का नेता रिसीव करने नहीं आया, और जब उनको रिसीव करने नहीं आया तो ये फ्लाइट में चुप होकर के बैठ गए और कहे कि हम फ्लाइट से नहीं उतरेंगे। तो तब वहाँ की सरकार ने वहाँ का उपराष्ट्रपति को भेजा इनको लाने के लिए, और ये सारा मुद्दा जो है वहाँ की एक मीडिया ने रिपोर्ट किया, और तब उस मीडिया का कहना है कि इस देश की सरकारें उनके ऊपर साइबर अटैक करने लगी, और साइबर अटैक करने में सबसे जो दुखद बात रही वो ये रही कि इस देश की सरकार इस बात के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं था कि भारत के बारे में अगर पता चलेगा कि एक मुद्दा को दबाने के लिए, एक न्यूज़ को दबाने के लिए भारत की सरकार उस पर अटैक कर रही है, उस बात की बिल्कुल चिंता नहीं दिखी इनको। इनको बस इस बात की चिंता दिखी कि इस देश के लोगों को पता ना चल जाए कि इस देश का प्रधानमंत्री गया और उसको कोई लेने नहीं आया, तो प्रधानमंत्री की बेइज्जती ना हो। देश की बेइज्जती तो इन सरकारों को दिखती ही कहाँ। अगर देश की बेइज्जती दिखी होती तो वो लोग कभी इस तरीके, इस हद तक नहीं गिरते। इसलिए मेरा तो मानना है कि आज जो इस देश में सरकारें चल रही है वो देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी सरकारें हैं। बीजेपी के एक नेता है, वो ये कह रहे हैं कि आप 2024 में वोट कहीं भी डालें जाएगा बीजेपी को। इसको आप किस में, और बड़ी वीडियो काफी वायरल हो रही है। मैंने तो कहा कि आज के तारीख में जो सरकारें इस देश में है वो राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र हित में काम नहीं कर रही है, वो देश विरोधी है, और ये देश विरोधी लोग कुछ भी करेंगे। और मैं मान सकता हूँ कि ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि ये देश विरोधी लोग हैं। तो सर, इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी को आप कमज़ोर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, विपक्षी तो जब ईवीएम को इन लोगों ने हैक कर लिया और ऐसी कई घटनाएं घटी जिसमें कि चुनाव आयोग ने, लोगों ने जब उससे सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, तो जब सारी संस्थाओं को ये सरकार, जो एक ब्राह्मणवादी सरकार है और ब्राह्मणवादियों के विकास के लिए कार्य कर रही है, तो वो तो किसी भी हद तक गिर सकती है, और विपक्षी फिर कर भी क्या सकता है। राष्ट्रपति तो ऐसे आदिवासी समाज के हैं। देखिए, राष्ट्रपति बहुत ही सम्माननीय पद है, इसीलिए मैं बहुत बड़ा कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि राष्ट्रपति जो एक डर लगता है, नहीं, पद से डर नहीं, उस पद की गरिमा से डर लगता है। इस भारत का जो सर्वप्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति कहा जाता है। और लेकिन मैं इस बात का दुख जरूर व्यक्त करूंगा कि जिस देश में आदिवासी राष्ट्रपति के होते हुए भी आदिवासी महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाए, तो ये बड़ा ही शर्मनाक है। क्या कहेंगे 2024 में, क्या लग रहा है एनडीए और जो इंडिया का माहौल चल रहा है, इसमें बहुजन समाज क्या कहता है? बहुजन समाज के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एकजुट होकर के, अभी चूंकि वर्तमान में व्यवस्था एक ही मजबूत है जो एनडीए को हरा सकता है और वह है इंडिया, तो उनके साथ हो जाओ और उनको मजबूत करने का काम करो। लेकिन बहुजनों की जो बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, वो अभी बिल्कुल इंडिविजुअल है, किसी पाले में नहीं है, वो अकेले लड़ रही है। क्या 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 लग रहा है इसको देखकर? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मसाला चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं अपने के खिलाफ बोलता नहीं, ठीक है, वो जब सुधर जाएंगी तब आगे हम बात करेंगे। आकाश आनंद के बयान को किस तरीके से ले रहे हैं आप? आकाश आनंद को मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ, और जब हमसे छोटे लोग मतलब छोटे उम्र में जो बच्चे हैं, अगर वो आकर के कोई नादानी कर भी दे तो मैं कहूँगा कि उनको माफ़ कर देना चाहिए। सर, क्या लगता है, इस देश में दो ही विकल्प है, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस, उसके अलावा और कोई नहीं?
उसके बाद विकल्प हो जाएगा। अगर लालू यादव, नीतीश कुमार, मायावती, चंद्रशेखर रावण जैसे और स्टालिन, तमिलनाडु से स्टालिन, झारखंड से सिब्बू सोरेन और जितने भी हमारे बहुजन नेता हैं, अगर सब एकजुट हो जाएं तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा।